फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक बहुत ही मैं डिलीशियस स्पाइस के बारे में बताऊंगी, उसका नाम है दालचीनी। दालचीनी का अगर आप रोज़ सेवन करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी महसूस करेंगे, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा बीमारियों को ख़त्म करने की इसमें शक्ति है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप डेली मेरे हेल्थ टिप्स सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। देखिए, दालचीनी एक ऐसा स्पाइस है जिसका अगर स्टडी की जाए या कंपैरिजन देखा जाए बाकी स्पाइसेस के साथ, जैसे कि गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, या कोई भी ऐसा स्पाइस जिसमें बहुत सारी एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये पाया गया था कि जो हमारा दालचीनी है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू अदर स्पाइसेस और एनीथिंग विच इज़ हैविंग एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट। तो इसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से अगर हमारा पुराने से पुराना शरीर में दर्द भी है या कोई भी वजह से इन्फ्लेमेशन है, उसको दूर करने में दालचीनी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। ये तो हो गई इन्फ्लेमेशन की बात। सेकेंड, जिन भी लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट में प्लेक्स रहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस रहता है, या जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो दालचीनी का अगर आप डेली आधा चम्मच से लेकर एक चम्मच तक डेली सेवन करेंगे गर्म पानी में डाल के, साथ में आधा चम्मच अगर आपने दालचीनी डाला तो एक चम्मच आप शहद डाल दीजिए, ऊपर से गर्म पानी डाल दीजिए। ये अगर आप डेली सेवन करेंगे तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को ये स्टेबल रखने में मदद करता है। तीसरा, जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ रहता है, जिस उसकी वजह से लोगों के शरीर में इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, वो लोग अगर डेली आधा चम्मच दालचीनी का सेवन कर लेंगे तो उन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर उनकी स्टेबल रहेगी। इसमें ताकत है ब्लड शुगर को लो करने की। तीसरा, ये क्या करता है, बहुत सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जिन्हें PCOD की दिक्कत रहती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है, इसमें ये ताकत है कि अगर आप इसको आधा चम्मच दालचीनी को गर्म पानी के एक गिलास में डाल के एक चम्मच शहद के साथ एक महीने तक सेवन कर लेंगे तो जो भी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का आपका पेन है वो सीवियर नहीं होगा, बहुत ही मामूली सा 5-10 मिनट का दर्द होगा, या फिर धीरे धीरे सेवन करते करते ये आपके शरीर से पूरी तरह चला जाएगा। PCOD की दिक्कत भी जिन लोगों को रहती है वो उस दिक्कत में ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अगला, अगर आप लोगों को सीजनल चेंजेस में बहुत जल्दी वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोल्ड और इन्फ्लुएंजा हो जाता है, उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो दालचीनी का सेवन करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। गर्म पानी में आधा चम्मच दालचीनी पीने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और इन्फेक्शन कैच करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। ये आपको एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट प्रोवाइड करेगी। जिन लोगों को न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेज हैं, पार्किंसंस है, अल्जाइमर्स डिजीज है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, पॉलीफिनॉल्स हैं और कुमेरिन है, जो क्या करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रॉपर अच्छे से वर्क करने में मदद करता है, न्यूरॉन्स को अच्छे से वर्क करने में मदद करता है। अल्जाइमर्स डिजीज़ और पार्किंसंस डिजीज़, जिसमें अल्जाइमर्स डिजीज़ यानी भूलने की बीमारी, और पार्किंसंस डिजीज़ जिसमें ट्रेमर्स होते हैं, हाथ पैर हिलते हैं, वो लोग अगर इसे नियम अनुसार डेली खाएंगे उन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके बाद अगर आप लोगों को स्किन में बहुत ज़्यादा एक्ने की दिक्कत रहती है तो भी वो दालचीनी गर्म पानी में डाल के डेली खाएं, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफ़ेक्ट मिलेगा और आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। अगर आप लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है किसी का, उन लोगों को भी डेली दालचीनी आधा चम्मच गर्म पानी में डाल के खाना है, उससे आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा और आपका ब्लड प्रेशर स्टेबल रहेगा, शुगर लेवल स्टेबल रहेगी। इट इज़ एंटी कैंसरस, कैंसर से आपको बचाएगा, फ्लू से बचाएगा। दूसरा, लेकिन अब दालचीनी के आपको इफ़ेक्ट्स तो मैंने सारे बता दिए कि अगर हम इसे अपने डेली जीवन शैली में लागू कर लेंगे तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम सिंपल सी रेमेडी से हम बच जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम कौन सी दालचीनी खाएँ, कहीं वो नकली तो नहीं है। देखिए, दालचीनी दो तरह की होती है, एक तो ट्रू होती है सेलन, ट्रू सिनेमोन, और दूसरी होती है हमारी कैशिया। तो हमेशा ट्रू सेलन या ट्रू सेलन सिनेमोन ही आपको लेनी है। डिफरेंस कैसे पता करेंगे,
एक तो ये कॉस्टली होती है और अच्छी गॉर्मेट शॉप्स में ही आपको मिलेगी या ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ये लाइट ब्राउन कलर की होगी, इसका स्वीट सी फ्रेगरेंस होगी, थोड़ा सा स्वीट टिंगरिंग टेस्ट होगा, एरोमा फ्रेगरेंस वाला होगा, ठीक है। अब ये सिगार की तरह रोल्ड अप होगा और अगर आप इसे तोड़ेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगी, ठीक है। और जो दूसरी वाली होगी वो रेडिश या फिर डार्क ब्राउन कलर की होगी, वो टूटेगी नहीं आसानी से, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगी, ठीक है। अब वो उसका जो बहुत ही ना टेंगी स्मेल होगी, बहुत ही तेज स्मेल होगी उसकी, तो फ्रेग्रेंस होगी और ये स्वीट भी नहीं होगी आपकी, टेस्ट करेंगे तो स्वीट भी नहीं होगी। इसमें कुमेरिन ज़्यादा होता है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। और जैसे हमें अपनी बॉडी में अगर बीमारी को ठीक करना है तो हमें कम से कम आधा चम्मच तो दालचीनी खानी है, तो हमें कौन सी वाली दालचीनी खानी है, ट्रू सिनेमन खानी है, ट्रू सेलिन, ठीक है, क्योंकि उसमें कुमेरिन कम है तो वो हमें सारा लाभ हमारे शरीर को मिल जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप सही वैरायटी की दालचीनी खरीदें, उसके बाद नियम अनुसार आपको उसका सेवन डेली करना है। डेली करना है क्या करना क्या है, आधा चम्मच दालचीनी ली, एक कप गर्म पानी लिया और उसमें एक चम्मच शहद डाल दिया। डेली किसी भी टाइम आप पी सकते हैं। जोड़ों के दर्द वाले प्रॉब्लम्स जिनको रहती हैं वो कम से कम 2 महीने पर ये पिए। अगर आप लोगों को बहुत ही पुराना गठिया है तो इसमें आप आधा ढक्कन, इन सब चीज़ों में आधा ढक्कन एप्पल सीडर विनेगर और मिला लें तो एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ डबल हो जाएंगी, 2 गुना हो जाएंगी, तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब तो दालचीनी हर स्टोर पे अवेलेबल भी होती है, लेकिन आपको करेक्ट वैरायटी ढूंढनी है। पहले तो ऐसा होता था कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हुआ करती है, बहुत ही मुश्किल से मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब आपको दालचीनी का सेवन डेली करना है और उसके बाद आपको देखना है कि आपके हेल्थ में कैसे बेनिफिशियल चेंजेस, ड्रास्टिकल चेंजेस, अमेजिंग चेंजेस आपको अपने हेल्थ में मिलेंगे। सो ये जो न्यू टिप मैंने आपको बताई है ये आप लोग फॉलो करिए। वायरस का सीजन चल ही रहा है, अगर दालचीनी डेली लेंगे तो आपको वो वायरस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शंस सबसे बचा के आपको सेफ रखेगी। होप यू लाइक माई वीडियो, फॉलो दिस हेल्थ टिप इन योर डेली लाइफ्स। कितना भी बिजी हैं, ये डेली टिप आपको डेली करनी है। शुगर लेवल अपनी ठीक करके दिखानी है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल अपना ठीक करके खुद से दिखाना है, हार्ट अपना ठीक करना है, PCOD की प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस आपको ठीक करके अपने आप खुद से दिखाना है। Hope you like my video. Do subscribe it. Tab tak ke liye stay safe and stay healthy. Bye bye.